दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित हैं सफल बैच की अगली श्रृंखला में। आपको पता है सफल बैच के दौरान सबसे पहले हम हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस से आपको रूबरू करा रहे हैं, उसी की श्रृंखला आपके बीच में उपस्थित है। आप लगातार सिलेबस से परिचित हो रहे हैं। यहाँ देख पा रहे हैं DELED प्रथम सेमेस्टर इतिहास का सिलेबस आपके बीच में लिखा गया है, ठीक है। यहाँ देखिए सफल बैच का आगाज हो चुका है। अगर आपको बैच की जरूरत है तो आप 220 रुपया देकर, जो है जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, अगर आपको बैच को ज्वाइन करना है अपने बेहतरीन नंबरों के लिए, ठीक है, तो आप सफल बैच को जरूर ज्वाइन करें। मैंने कहा है आपसे, मैं सफल बैच के दौरान आपके लिए मॉडल पेपर के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर के साथ सारे सब्जेक्ट के नोट्स प्लस आपके लिए रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासें दोनों रहेंगे, ठीक है। कुछ लोग लगातार लाइव क्लास की मांग कर रहे हैं। देखिए लाइव क्लास के साथ साथ मैं आपको रिकॉर्डेड क्लासें भी दूंगा, क्योंकि अगर लाइव का समय नहीं मिल पाएगा तो आपके लिए रिकॉर्डेड जो है वीडियोस देंगे। मेरा कहने का सेंस एक ही है कि हम आपकी क्लासों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। हर रोज आपको वीडियो मिले, चाहे वो रिकॉर्डेड ही मिले। आपको अगर जहां डाउट्स हो रहा है, जैसे आप लाइव में तो अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने आपसे कहा है अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर 94 52 33 53 पर आप संपर्क कर सकते हैं। मैं हर एक डाउट्स को आपके क्लियर करने का प्रयास करूंगा। वैसे मैं किसी डाउट को छोड़ता नहीं हूं, सबसे पहली चीज मेरा फुल कॉन्फिडेंस है, ठीक है। मैं जो चीज आपको बताऊंगा वो आपका बिल्कुल क्लियर होता हुआ चला जाएगा। यहां आज का यह वीडियो जा रहा है हिस्ट्री का। यहां देख पा रहे हैं आपका जो इतिहास है वो 50 नंबर यानी 2 घंटे का पेपर होता है। 2 घंटे का पेपर होने की वजह से सिलेबस भी थोड़ा सा ब्रॉड है आपका, ठीक है, इसलिए इसे पढ़ाने में 3 सब्जेक्ट 50-50 नंबर के हैं, इन तीनों को ही पढ़ाने में थोड़ा सा समय लगेगा। बाकी जो आपके हैं 4-5 सब्जेक्ट जो है वह एक एक महीने के सिलेबस हैं, ठीक है। यहां देखिए मैंने कहा आपसे सफल बैच का आगाज हो चुका है। आपने अभी बहुत रुपए पैसों को खर्च किया होगा अपने पढ़ाई के पीछे, लेकिन अगर आप डीएलएड करने जा रहे हैं तो आप एक बार 220 रुपए देकर सफल बैच को ज्वाइन करें। मैं चैलेंज करता हूं कि कभी मैं आपका बैक नहीं लगने दूंगा। आपने देखा होगा लोगों का जब बैक लग जाता है तो लोग धराशायी हो जाते हैं, लेकिन पिछली बार की तुलना हम करें, ध्यान दीजिएगा, लोग कह रहे हैं कि मेरे क्लास कहाँ चलेगी, तो क्लास मैं आपके टेलीग्राम प्लस यूट्यूब दोनों जगहों पर चलाऊंगा, ठीक है। जहां उचित पड़ेगा, जहां आप लोग कहेंगे वहीं आपकी क्लासें चलेंगी, ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। अच्छा, पिछली बार हम बात करें आपसे, यही बैच जो आज आप 220 रुपया देकर ज्वाइन कर रहे हैं, यही बैच 299 रुपए यानी 300 रुपए का था। पिछली बार लगभग 85 से 85 अभ्यर्थी ज्वाइन किए थे, जिसमें से मैंने लगभग 78 से 79 अभ्यर्थियों को सफल कराया था। 4-5 अभ्यर्थी तो हर जगह अपवाद मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, मैं जितना कहूंगा अगर आप उतना करते जाते हैं तो मैं चुटकियों में आपको क्वालिफाई कराऊंगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। बहरहाल ये सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं। चलिए बिना समय को गंवाए हम लेके चलते हैं इतिहास के प्रथम सेमेस्टर जो है सिलेबस को, आप परिचित होइए। सबसे पहला यहां आ रहा है इतिहास का अर्थ महत्व एवं जानने के स्रोत, ठीक है, पहला टॉपिक आपका है। इसमें तो कुछ बताना है नहीं, ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग कह रहे थे कि सिलेबस को आप हैंड रिटन नहीं देंगे। देखिए सिलेबस को यार हम हैंड रिटन देने से क्या फायदा होगा, जो चीज मैंने यहां लिखा वही मैं हाथ से भी लिखूंगा, ठीक है, आपकी बुक में भी रहेगा, आप बुक को ही ले लीजिए, ठीक है। मैंने बुक का फोटो खींचकर आपको पीडीएफ बनाकर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो नोट्स के लिए है, जैसे इसके अंदर की जो टॉपिक है जो मैंने सिलेबस यहां दिया है, इसके अंदर की जो चीजें हैं मैं उसे आपको पीडीएफ दूंगा, ठीक है, नोट्स उसकी जाएगी ना कि सिलेबस की जाएगी, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। आप यहां इसे भी स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं सिलेबस को, ठीक है। मैंने कहा है आपसे कोई भी किताब को पढ़ने से पहले उसके सिलेबस के दायरे को जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक होता है कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। पता लगा आपको सिलेबस का ज्ञान ही नहीं है तो फायदा कुछ नहीं होगा, इसलिए सबसे पहले आप सिलेबस से परिचित होइए। इतिहास का अर्थ महत्व एवं जानने के स्रोत,
यानी आप इतिहास पढ़ने जा रहे हैं तो हमारे दैनिक जीवन में इतिहास का क्या महत्व है और इसके महत्व क्या सॉरी इतिहास का क्या अर्थ है, इतिहास के क्या महत्व हो सकते हैं और इतिहास हम कैसे कैसे जान सकते हैं, ठीक है। पुरातात्विक मुद्रा एवं अभिलेख, साहित्य विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण, तिथि निर्धारण की पद्धतियां आपको पढ़ना है, ठीक है। यहां आप समझ सकते हैं आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। इतिहास में अगर देखा जाए, आप जब यूपी टेट सी टेट जैसी परीक्षाओं में बैठेंगे तो इतिहास से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और हर हाल में आपको जीएस में ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो आप अभी से, मैंने कहा आपसे, आप सफल बैच ज्वाइन करिए। हमने यूपी टेट और सी टेट जैसी परीक्षाओं को भी टारगेट किया है, ठीक है। आप ज्वाइन करके तो देखिए मजा जरूर आएगा पढ़ने में, ठीक है। चलिए देखिए, यहां दूसरा आता है पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति एवं विकास, यानी जो हमारी पृथ्वी है इस पर मानव की उत्पत्ति कब हुई, ठीक है। विकास पाषाण या प्रस्तर काल, यानी हम पाषाण काल को प्रस्तर काल भी कहते हैं, ताम्र एवं कांस्य युग और लौह युग, तमाम आपको युग भी पढ़ने हैं। हालांकि जो पढ़ना है मैंने आपके बीच में जो है डिसाइड कर दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहां अब हम बात करते हैं नदी घाटे की सभ्यताएं, ठीक है। यह सभ्यता आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहली सभ्यता है सिंधु घाटे की सभ्यता, काफी पुरानी सभ्यता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता, काफी पुरानी का मतलब आप बहुत पहले से इसे पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। पुरानी तो बहुत है लेकिन मेरे कहने का सेंस आप समझिएगा, इसमें जितनी सभ्यताएं मैंने लिखा है, सिंधु घाटे की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटे की सभ्यता, ये देखिए दो बार हो गया है, चीन की सभ्यता, ठीक है। तीन चार सभ्यताएं दी गई हैं जिसे आप जो है लगभग लगभग मुझे लगता है अगर आपने बीए किया होगा तो आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। नहीं पढ़े होंगे तो यहां पर आइए, बिल्कुल छोटा सा दायरा है, मैं आपको छोटे से दायरे में रहकर इसे पढ़ाऊंगा, ना कि यहां आपको ब्रॉड पढ़ना है, ठीक है। चलिए वैदिक काल, फोर्थ नंबर का टॉपिक है आपका वैदिक काल, पूर्व एवं उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल में सिर्फ दो टॉपिक पढ़ने हैं, पूर्व एवं उत्तर वैदिक काल। चैप्टर तो आपको छोटे लग रहे होंगे, जैसे यहाँ पूर्व एवं उत्तर वैदिक काल, ये आपको छोटा लग रहा होगा लेकिन इसके अंदर के कंटेंट जो है वो काफी बड़े हैं। आपको हर चीज को पढ़ना है, ऐसा नहीं कि अभी हम इसी को एक टॉपिक बना दें और टॉपिक बनाने के बाद मामला खत्म कर दें, नो ऐसा नहीं है, आपको बिल्कुल बड़े स्तर से पढ़ना है, ठीक है। चलिए महाजनपद काल, ये महाजनपद काल आपको 16 जनपदों का उल्लेख इसमें पढ़ना है, 16 जनपद यानी कहा जाए 16 महाजनपद, ठीक है। यहां देखिए भारत के प्रमाण जो है प्रारंभिक 16 महाजनपदों का उल्लेख, मगध का साम्राज्य, सिकंदर का आक्रमण व उसका भारत पर प्रभाव, ठीक है, यह 16 महाजनपदों के अंतर्गत आपको पढ़ना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं उपनिषद काल, जैन व बौद्ध धर्म पढ़ना है, ठीक है। जैन धर्म बौद्ध धर्म को आप बहुत पहले से पढ़ते आए होंगे लेकिन यहां पर बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, आपको यहां भी पढ़ना है चूंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला हमारा आता है जियोग्राफी का पोर्शन, अब आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, सौर मंडल, ग्रह उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, आकाश गंगा, उल्कापिंड, पढ़ना क्या क्या है आपको, ग्रह पढ़ना है, उपग्रह पढ़ना है, क्षुद्र ग्रह पढ़ना है, और यहां ध्यान दीजिएगा जो है आकाश गंगा, उल्कापिंड, अक्षांतर एवं देशांतर रेखाओं, कितनी, कैसे और क्यों, ठीक है। और यहाँ GMT और IST यानी इंटरनेशनल डेट लाइन एंड टाइम जोन और प्राइम मेरिडियम आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, यहाँ और भी आप इसके जब विस्तृत रूप को आप पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में, ठीक है। ये जियोग्राफी का पोर्शन जो है ये अच्छी चीजें होती हैं, आप जियोग्राफी ये बिल्कुल बेसिक है आपका, ठीक है। अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे तो यहां भी आपको पढ़ना है अगर आप थोड़ा सा कॉम्पिटिशन लेवल में गए होंगे, ठीक है, जैसे UPP वगैरह की तैयारी अगर किए होंगे तो हमें लगता है कि ये सबसे आप वाकिब होंगे। जो लोग नहीं किए हैं वो काहे को परेशान होंगे, आप बिल्कुल भी, ठीक है, हम हर चीज को आपको यहां से क्लियर करेंगे। चलिए यहां देख पा रहे हैं कैसे एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति, ये आपका अलग टॉपिक है, ठीक है। एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति एवं विस्तार, पड़ोसी देश, धरातल, जलवायु, वनस्पति एवं वन्यजीव, खगोलीय संगठन, नासा एंड इसरो, ठीक है, ये काफी दोनों महत्वपूर्ण है। नासा एंड इसरो को आपको पढ़ना है, नासा क्या होता है, इसरो क्या होता है, ठीक है, इसको भी हम आपको बताएंगे। ग्रामीण एवं नगरीय जीवन शैली कैसी होती है, यानी हमारे गाँव की जीवन शैली और जो नगर बसे हैं उनकी जीवन शैली कैसी होती है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, हर चीज पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।
चलिए सफल बैच को आप जरूर ज्वाइन करें एक बेहतरीन क्लास के लिए। मैं चैलेंज करता हूं, अगर आप सफल बैच के साथ जुड़ते हैं तो मैं चुटकियों में 95 नंबर दिलवाऊंगा, लेकिन मेरे कहने से नहीं होगा, आपको मैं जितना कहूंगा उतना करना होगा। पता लगा आप कह रहे हैं कि मैंने तो सफल बैच ज्वाइन कर लिया, चलिए हमारा तो 95% आ ही जाएगा। नो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ना आपके कहने से होगा ना मेरे कहने से होगा, जितना मैं कहूंगा उतना अगर आप करते जा रहे हैं ना तो बहुत कुछ आप कर ले जाएंगे। चलिए ये तो अभी आपका, ये अगर जैसे होता नहीं कि लोग कहते हैं ये ट्रेलर है, तो बिल्कुल ये ट्रेलर ही, आप इस सिलेबस से ही आप समझ सकते हैं कि जो है हम किस तरह से क्लासें आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए ग्रामीण जीवन, अब यहाँ देखिए आपने पढ़ा ग्रामीण जीवन नगरीय जीवन, अब यहाँ पर थोड़ा सा आ रहा है ग्रामीण जीवन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत का गठन एवं मुख्य कार्य क्या होते हैं, ये आपका एक टॉपिक है यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से देखिए नगरीय जीवन, ये आपने देखा होगा ग्राम पंचायत क्या होता है, क्षेत्र पंचायत क्या होते हैं, जिला पंचायत क्या होते हैं, और इसका गठन कैसे होता है, और इन सभी के मुख्य कार्य क्या होते हैं। आसान सी चीजें हैं, अगर आपको थोड़ा सा संविधान का नॉलेज होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। चलिए यहां अब हम बात करते हैं नगरीय जीवन के अंतर्गत देख पा रहे हैं नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम का गठन एवं मुख्य कार्य, यहां तक आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं, ये अलग टॉपिक आपका हो रहा है जनपदीय स्तर प्रशासन, जिला स्तरीय प्रशासन आप कह सकते हैं या जनपद स्तरीय प्रशासन कहिए, चाहे कान इधर से पकड़े चाहे सीधे पकड़ लीजिए, कान तो पकड़ेंगे ही, ठीक है, चाहे आप जनपद कहिए चाहे आप जिला स्तरीय प्रशासन कहिए। कानून व्यवस्था, भूमि व्यवस्था, नगरीय सुविधाओं का विकास, शिक्षा व्यवस्था, ठीक है, शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत स्वास्थ्य व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, और यहां तक तो एक है आपका, ठीक है। अब यहां देखिए यातायात एवं सुरक्षा के अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे, आए दिन आपने देखा होगा लोगों को जो है अपने ट्रैफिक के नियमों का पता नहीं होता है, ठीक है, चलना उन्हें किधर से है नहीं पता होता है, साइड मुझे किधर से लेना है उन्हें नहीं पता होता है, आए दिन आपने रोडों पर देखा होगा एक्सीडेंट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप यातायात के नियमों से परिचित हम आपको यहां पर कराएंगे। देखिए सड़क यातायात के नियमों एवं संकेतों की जानकारी, पता लगा जब ट्रैफिक के नियम आपको फॉलो करने हैं तो हरी बत्ती चलनी है, जलेगी तो हमें जाना है, अब पता लगा हम वहीं रुक गए, ठीक है, तो पीछे से कोई धक्का दे देगा, तो इससे बेहतर यही है कि आप अभी से यातायात के नियमों की जानकारी कर लीजिए। सड़क दुर्घटना के बचाव एवं सावधानियां, आप सड़क पर चल रहे हैं, आप कैसे दुर्घटना से बच सकते हैं, कौन सी सावधानियां मुझे बरतनी है। आगे यहां अगला टॉपिक रेल यातायात आपका आ रहा है, रेलवे क्रॉसिंग के संकेतों की जानकारियां, जब आप रेलवे क्रॉसिंग पर जाते हैं तो हमें क्या सावधानियां बरतनी हैं, जो है आगे कहा जा रहा है रेल यात्रा के दौरान सावधानियां, आए दिन आपने देखा होगा लोग गेटों पर बैठकर, जब आप ट्रेन में सफर करते हैं तो गेट पर बैठकर गेट पर लटक कर यात्रा करते हैं, ठीक है, तो ये सब चीजें गलत हैं, यही आपको बताया जाएगा कि रेल यात्रा के दौरान आप कौन सी सावधानियों को बरतेंगे। आगे कहा जा रहा है यातायात के संकेतों की जानकारी, अच्छा यहां तक तो आपके लिए बेहतर चीजें थी, अब यहां आपको जो है अर्थशास्त्र से परिचित होना है, ठीक है। चलिए यहां अर्थशास्त्र का परिचय, अर्थशास्त्र का अभ्युदय, विभिन्न अर्थशास्त्रियों का दृष्टिकोण में, अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण में अर्थशास्त्र, प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों का अर्थशास्त्र में योगदान, अब यहां देखिए एडम स्मिथ को पढ़ना है, आप सारी चीजों को छोड़ दीजिए, पढ़ना किस साइंटिस्ट को है, एडम स्मिथ है, अल्फ्रेड है, मार्शल है, रॉबिन्सन, जेके मेहता और अमर्त्य सेन इत्यादि को पढ़ना, या तो मैंने बिल्कुल सार्ट नाम को लिखा है लेकिन अभी और भी साइंटिस्ट हैं जिन्हें आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए इतनी चीजें हो गई, लास्ट में आता है राष्ट्रीय आय, यहां देख पा रहे हैं कहा जा रहा है राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, यहां आपने जीडीपी को आए दिन पेपरों में आप पढ़ते होंगे, ठीक है, ये जीडीपी है क्या हम आपको इसमें बताएंगे, घरेलू शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी क्या है, ठीक है, यहां सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी क्या है, और वैयक्तिक या कहा जाए पर्सनल इनकम, व्यय योग आय या कहा जाए जो है डिस्पोसिबल इनकम, ठीक है, और यहां राष्ट्रीय आय व आर्थिक विकास क्या है, तो फाइनली
आप सिलेबस से इतिहास के परिचित हो गए। ठीक है, यहाँ पर हालांकि कुछ कन्फ्यूजन्स तो नहीं होने चाहिए इसमें, सिलेबस में कौन सा कन्फ्यूजन्स, ठीक है, जब टॉपिक आएगी तो आपको कन्फ्यूजन्स जरूर क्रिएट होगा, लेकिन मैं दावा करता हूं कि अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं हर एक टॉपिक को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आशा करते हैं दिए गए जानकारी से आप जो है संतुष्ट हैं। यहाँ पर जो भी आपको डाउट्स हैं आप दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। आपकी क्लासें अनवरत चल रही हैं, ठीक है, यहाँ देख पा रहे हैं बैच मात्र 220 रुपये में, बहुत बड़ी शुल्क नहीं है, आपने बहुत रुपये पैसों को खर्च किया है, लेकिन एक बार आप बैच को ज्वाइन करके देखें, ठीक है, 100% आप सेटिस्फाइड जरूर होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।